ये 4 फीट बाई 6 फीट का मल्टी स्कोरबोर्ड है। इसका ये कंसोल है, ये आपका मेन बोर्ड के साथ में इसमें पावर आ रही है, और इसमें ये केबल, ये 9 मीटर केबल के साथ में ये कनेक्टेड है बोर्ड में। ये आपका ये एक कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है और एक कनेक्टर बोर्ड में लगा हुआ है और एक कंसोल में लगा हुआ है। इसमें एक ये पावर लीड है, ये 5 मीटर की केबल इसमें निकाल दी है। इसमें कंट्रोल आपका सिंपल है, ये आपका गेम रीसेट है। हम गेम रीसेट करेंगे तो इसमें जितना भी पैरामीटर है ये सभी रीसेट हो जाएगा। इसको लॉन्ग प्रेस करना है, गेम रीसेट करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो ये इसमें कंसोल यूनिट में एक डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें भी आपके सभी पैरामीटर आपके रीसेट हो जाएंगे। ये लॉन्ग प्रेस करने से बोर्ड भी पूरा रीसेट हो गया है। ये आपका स्कोर बटन है, इसको प्रेस करेंगे आप, इसमें एक बजर भी दिया हुआ है, जब आप प्रेस करेंगे तो बजर की भी साउंड आएगी इसमें। ये आपका स्कोर चेंज हो रहा है, ये आपका जो कंसोल में चेंज हो रहा है वही आपका बोर्ड पे भी रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको बोर्ड के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। स्कोर ए, स्कोर बी, टीम बी, ये फाउल का बटन है। ये टाइमर आपका स्टार्ट के लिए है, ये टाइमर पॉज, इससे टाइमर पॉज हो जाएगा, ये पॉज हो गया, ये स्टार्ट है। आप स्कोर इंक्रीज करते हैं तो अगर आपको इसको डिक्रीज करना है तो जो भी बटन आपने प्रेस किया है उसके बाद में आप डिक्रीमेंट बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका माइनस स्टार्ट हो जाएगा, -1 आपका हो जाएगा बटन प्रेस करने पर। अब आपने फाउल इंक्रीज किया उसके बाद डिक्रीमेंट बटन प्रेस करेंगे तो फाउल ही डिक्रीज होगा। आपको जो टाइम सेट करना है उसके लिए इसमें हमने रीसेट गेम क्लॉक ये बटन दिया हुआ है, इससे आप का जो कर्सर है इसमें जो टाइम सेट करने के लिए आप इसको प्रेस करेंगे, इसमें आपको टाइमर को स्टॉप करना पड़ेगा। टाइमर स्टॉप होने के बाद ही आपका ये रीसेट बटन काम करेगा। ये आपको टाइमर को पहले पॉज करना पड़ेगा तभी ये बटन काम करेंगे। आपका ये फर्स्ट पॉइंट पर कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन को यूज़ करके 8 to Z अल्फ़ाबेट और 0 to 9 नंबर आप चेंज कर सकते हैं। एक नंबर आपका सेट हो जाएगा अल्फ़ाबेट फर्स्ट, तो आप सेकंड लेटर को कर्सर से मूव कराइए, वापस से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ कीजिए। आपको ये कंटिन्यूस प्रेस करते जाना है, फिर टीम बी का नाम सिमिलर आपको चेंज करना है, फिर लास्ट में इसको आपको एग्जिट हो जाना है, तो आपका कर्सर बॉटम में ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप एग्जिट मोड में आ गए और आपका जो टाइम है वो बोर्ड के ऊपर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो आपने टीम नेम सेट किया है वो बोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से आपको गेम की टाइमिंग सेट करने के लिए बटन प्रेस करना है। ये हमने प्रेस किया तो 29 टाइम है इसके अंदर, 29 मिनट, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ये आप डिक्रीमेंट बटन से, आप मैंने इसमें 30 सेट कर दिया है, आप इसमें सेकंड भी सेट कर सकते हैं। 30 मिनट का टाइमर इसके अंदर सेट हो गया है। ये आपका बोर्ड पे भी सेम रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप टाइम को स्टार्ट कर सकते हैं गेम को। ये आपका गेम 30 मिनट का सेट हो गया, स्टार्ट हो गया है। अब आप स्कोर बटन प्रेस कीजिए। ये बोर्ड की फंक्शनलिटी है।